तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं लूप्स के बारे में। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे लूप कि लूप का इस्तेमाल कैसे होता है। हमारे साथ विजय जी हैं ज्वाइन किए हुए हैं हमारे जूम ऐप पे, और हम बात करेंगे कि लूप के जरिए किस तरीके से हम अपना काम को आसान करते हैं। जो प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड है, लूप उसको बड़ी आसानी से कर देता है। तो हम आज इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं और एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आपके साथ बनाऊंगा ताकि आपको पता होगा। तो मैं यहां पे नेम दे दिया हमने यहां पे, और यहां पे मान लीजिए मैं दे देता हूं मंथ। दिसंबर तक ही रखता हूं, ज्यादा भी हो सकता है कि फिलहाल दिसंबर तक रख देता हूं। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये डेटा हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, या फिर कह सकते हैं पिवट फॉर्मेट में। और इस पे हम बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें और भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे डेटा इसको अलग देने चाहिए, समरी हो गया, टोटल हो गया, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, पिवट नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन जहां हम इसको यूज करना चाहते हैं वहां पे इस तरह का डेटा फॉर्मेट नहीं है। हमारा जो ऑटोमेटेड बना हुआ रिपोर्ट फॉर्मेट है वो मेरा जो है इस फॉर्मेट पे नहीं है, उसका कुछ और फॉर्मेट है। तो क्या है उसका कुछ और फॉर्मेट, मैं आपको चलिए बताता हूं। तो यहां पे हमें चाहिए नेम, हमें चाहिए मंथ, और हमें चाहिए यहां पे सेल। हम सेम फील्ड में बना रहे हैं आप, ताकि आपको विजुअल हो जाए, अलग अलग विंडो ना दिखना पड़े इसलिए। तो बेसिकली हमें चाहिए होता है कि मैं मंथ यहाँ पे कॉपी करूं, यहाँ पेस्ट करूं, फिर यहाँ से जनवरी को कॉपी करूं, यहाँ नीचे पेस्ट करूं, और फिर इसके डेटा को कॉपी करूं और इसको पेस्ट करूं, और सेम फरवरी मंथ, सेम मार्च मंथ, इसके एक के नीचे करता जाऊं। तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग से कैसे होगा, चलिए इसी चीज की हम बात करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई विजय जी आपको, कि प्रॉब्लम क्या है इसकी? हाँ सर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 2 से 13। अब 13 हमने मैनुअल लिख दिया, मतलब माने कि 13वां कॉलन है, इसलिए 2 से 13 चलना। लेकिन 13 हर बार हो मुझे ऐसे पता तो नहीं होगा ना, मन चेंज हो सकते हैं ना। तो इस 13 को ऑटोमेट कैसे करेंगे, हम यहां लिखेंगे रेंज xfd1.nxls2left.call, ठीक है, और फिर नेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये करेगा कि आपके डेटा में xfd1 में सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आएगा, सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आ गया xfd1 पे। अब यहां से कंट्रोल एंड राइट एरो से इधर आएगा और इसकी कॉलम नंबर 4 को दे देगा। अब सबसे पहला कि मुझे ये रेंज A2 से लेके A13 को कॉपी करना है। अब यहां पे फिक्स नहीं है, बट आप जब प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे इसको आप फिक्स कर लीजिएगा।
रेंज A2 से लेके A30। डॉट कॉप और रेंज A65000। डॉट एन एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1.0। डॉट पेस्ट स्पेशल। ये क्यों किया था बताइए आपको, मतलब यहां पे नीचे आपको पेस्ट कर दे। अब यहां पे एक हो गया। अब मैं आपको चाहता हूं कि यह मंथ पे आए, मंथ पेस्ट करें, तो फिर मैं सेम करता हूं रेंज हमने किया रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 0.1 डॉट सेलेक्ट और सी रेंज एक्टिव एक्टिव सेट से एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल 1 रो एंड I कॉलम डॉट वैल्यू। अब क्या हुआ, सबसे ऊपर वाला कोड समझिए क्या कर रहा है। ये जब नेम हमारा जब पेस्ट कर देगा, नेम जब हमारा पेस्ट कर दिया ना, तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा और ऑफसेट की मदद से यहां आएगा। तो ये कर्सर रख दिया, ये क्या हो गया, एक्टिव सेल हो गया। तो ये हम एक्टिव सेल हो गया, तो हमने बोला कि जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल से ऊपर और एक रो नीचे, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो करेगा और फिर शिफ्ट के साथ एक रो नीचे करेगा। इस एरिया को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू दूसरे नंबर कॉलम एंड पहले नंबर रो के बराबर कर देगा। ओके, अब यहां पे रेंज स्टार्टिंग है हमारा सेल और ये है हमारा 1-2 रो एंड आई कॉलन और सेल्स 13 रो एंड आई कॉलन डॉट कॉपी और सेम रेंज C65000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब इसको रन करता हूं, स्टेप इन्फो करें एक एक करके। नहीं, इस पे करना, ये मैं छोटा कर, इस पे स्क्रीन को मैं छोटा करता हूँ। कॉपी कर लिया, अब यहां पे डिवर्ग आ गया। रेंज A65000 और
ये लास्ट में वन है उसके कारण क्या दिखे था? पेस्ट स्पेशल वन। हाँ, सॉरी एक नंबर लग गया था। पेस्ट हो गया, यहाँ पे कर्सर आ गया। देखिए वो वाला ऊपर वाला जो वैल्यू है, कहाँ कर्सर रख दिया, यहाँ कर्सर रख दिया। अब ये क्या किया, पूरे को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया। फिर क्या हुआ, इसने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया एक कॉलम के लिए, फिर नेक्स्ट दूसरे कॉलम के। दिख रहा है सर? हाँ ये काम कर रहा है, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट कहते हैं। अब ओके। बताइए आपकी बात, एक्सेल का वर्जन कौन सा है विजय जी? विजय जी हाँ मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। देखना पड़ेगा, लेटेस्ट वर्जन में Office 365। कर ओके, तो अब आप मुझे एक रिसर्च करके बताएंगे कि इसको आप विदाउट वीवीए कैसे करेंगे। लेटेस्ट वर्जन में ऐसा फीचर है कि इसको विदाउट वीवीए किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि वीवीए से काम करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको नॉर्मल एक्सेल से कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके। तो एक बार इसको नॉर्मल एक्सेल से करके बताइए सर। नॉर्मल एक्सेल से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ठीक लेकिन है, उसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब वो नहीं है, मतलब कैसे कर सकते हैं वो बताना है, राइट? ठीक या कैसे मैं फिर कैसे कर सकते हैं ये बताना है आपको। है। अब प्रॉब्लम ये है ना सर कि आप इसका काम कब कर रहे हैं, जब आपके पास रिपीटेड जॉब आया ना, हर दिन कब करना है। अब मान लो कि एक दिन आया हुआ है हाँ तो प्रोग्रामिंग आप लिखेंगे, तो प्रोग्रामिंग तो ठीक है, आपने लिख लिया, छोटा प्रोग्रामिंग है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, फॉर्मेटिंग करना और चीज हो सकती है, तो उसके प्रोग्रामिंग आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल एक्सेल से हो सकता है, मेरा एक बार का ही काम है, और प्रोग्रामिंग लिखने में लगभग मुझे उतना ही टाइम लगेगा जितना मुझे मैनुअल करने में चलेगा, क्यों प्रोग्रामिंग लिखेंगे? हाँ सही बात है। पहले होता है ऐसा ना कि सांप को मारने के लिए हमें लाठी काफी है, तोप की जरूरत नहीं है सही बात, क्या? हाँ सही बात तो हर चीज अल्टरनेट होना। दूसरी चीज और भी चीजें होती है, जैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आप जो है वेब पे भी सारे फीचर्स चला सकते हैं, तो वहां पे वीडियो प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी ना। तो कभी आपको अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर से यूज करना पड़ गया एक्सेल को, तो अब वीवीए के बगैर भी तो काम करना पड़ सकता है ना, हाँ ठीक है ना? और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो वीवीए को बैन कर रखी है, उनको वीवीए यूज करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, हाँ बहुत सारी कंपनी है। तो वहां पर मान लीजिए कि आपको वीवीए का परमिशन नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ समझ गए? तो मतलब कि आप सोल्जर हैं तो आपको फाइटिंग बंदूक से भी आनी चाहिए, तोप से आनी चाहिए, और आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट होना चाहिए। क्या पता आपके पास किस सिचुएशन में क्या होगा, समझे? हाँ तो इसलिए, क्योंकि आपको पहले बताया था कि हम जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं प्रोफेशनल्स लेवल का। जब प्रोफेशनल्स पे आएंगे तो आप कंपनी को ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं ये काम तो नहीं करूंगा जो आप मुझे ये चीज देंगे, क्या हाँ आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स से आपका अपना काम क्विकली करना है, ठीक है? तो ठीक मैंने है। आपको तो बता दिया कि वीडियो प्रोग्रामिंग से कैसे होता है, अब बाकी आप जो है मुझे बताइए कि उसको नॉर्मल एक्सेल से कैसे करेंगे, ठीक ठीक है? तो मिलते हैं कल। ठीक है सर। एक और तो समझ में आ गया ना सर, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक, ओके, बाय।